पूर्वी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक नए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में यहाँ का नौजवान यहीं से अपना योगदान दे, इस विश्वास के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। राजसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज आपके जनपद में आया हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को 2018 में प्रारंभ की। इसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाकर के व्यापक औद्योगिकीकरण की दिशा में पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना। यहाँ पे बड़े से बड़े विमान को इस स्थान पर उतारा जा सकता है। अगर कभी इमरजेंसी में हमें कोई विमान उतारना हो तो इस स्थान पर आराम से उसको उतार करके लोगों को सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और सुल्तानपुर वासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि यह सुविधा सुल्तानपुर जनपद को प्राप्त हुई है। एक्सप्रेसवे हमारा प्रयास है कि हर हाल में 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यह एक्सप्रेसवे बने और एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण हो, ये सरकार की अपेक्षा है और हम लोग इस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। हम सबका एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए क्योंकि ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है। हमें समृद्धि और खुशहाली का मार्ग विकास के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। ये केवल एक एक्सप्रेस वे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।